अगर आप हमारी न्यूज देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन को भी दबाइए। हमारा न्यूज सबसे पहले देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। पटना राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में तमाम आरोप प्रत्यारोप को दरकिनार करते हुए कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन के ग्रीनफील्ड पुल बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 9.76 किलोमीटर लंबे देश के सबसे लंबे पुल निर्माण पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल के लिए सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेगी। इसके अलावा पटना में मीठापुर फ्लाईओवर से चिरैयाटांड फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए पहुंच पथ और दोनों तरफ सर्विस लेन बनाने के साथ ही 4 लेन के फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया गया। इस योजना को पूरा करने के लिए 121.86 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग के एक प्रस्ताव के बाद बिहार में प्रवेश कर को और प्रभावी बनाने के लिए बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश कर की नियमावली 1993 में संशोधन को अपनी सहमति दे दी है। इस संशोधन के बाद ऑनलाइन मार्केटिंग में भी सरकार सर्विस टैक्स लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। बिहार में रहने वाले किन्नरों के कल्याण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठन को भी मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी। मुंबई में महानगर टेलीफोन निगम के कुर्ला स्थित भवन में सरकार ने 2000 वर्ग फुट जमीन किराए पर ली है, जहां बिहार सरकार का पर्यटन सूचना केंद्र और बिहार फाउंडेशन का कार्यालय खोलना है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी सहमति प्रदान कर दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को अब तक मिलने वाले चिकित्सा भत्ता को समाप्त कर इसके स्थान पर विशेष भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को भी मान लिया।